morning. How are you all? Hope you all are good. Today we are going for one cycle ride from Panvel to one destination. That one destination you will come to know in the end of this vlog. So stay tuned. अभी हम पहुंच रहे हैं नीरा गांव। ये बहुत प्रसिद्ध गांव है। ये पनवेल माथेरान रोड पे आता है। यहाँ का गणपति मंदिर बहुत जागृत देवस्थान माना जाता है। यहाँ पे माघ गणपति का बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। ये है महालक्ष्मी नगर जो नीरा गांव में आता है। ये नीरा गांव के यहाँ का शिव मंदिर है। बहुत पुराना शिव मंदिर है। तो यहाँ पे लोग सुबह नहाने वगैरह खाने के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा पुराना पेड़ यहाँ पे, पीपल का पेड़ भी यहाँ पे है। ठीक उसके नीचे एक तालाब है। यहाँ के गांव की खूबसूरती है कि हर गांव में एक तालाब होता है। ये तालाब में पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी ये मई महीना है करके तालाब में पानी कम है, लेकिन बाकी दिनों में तालाब में बहुत सारा पानी रहते हैं। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े सब लोग यहाँ पे तैरने आ जाते हैं। ये मंदिर की बैक साइड है। ये देखो, ये भी एक पीपल का झाड़ है, उसके ऊपर आम का झाड़ भी आ चुका है। और ये है हमारी बाइक जिसके सहारे हम आज की राइड करने जा रहे हैं। शिव मंदिर के बाद ठीक 2 मिनट के बाद एक मंदिर है, वो है श्री गजानन महाराज मंदिर। ये है वो मंदिर। सूरज भगवान आ चुके हैं। मॉर्निंग वॉक्स के लिए लोग निकल चुके हैं। अभी आपके सामने एक राइट आएगा, वो राइट में जो रोड जाता है उसका जो एंड पॉइंट है वो है सलमान खान का विला। एक दिन हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। आपके लिए पूरा रोड का ट्रिप का एक ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। ये बहुत छोटा सा पुल है जहाँ पे जो नाले के ऊपर बांधा गया है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई पानी नहीं है। मई महीने का सीजन है इसलिए कोई पानी नहीं, सब पानी खत्म हो चुका है। बारिश में यहाँ के पानी की कोई कमी नहीं होती। हम वो भी आपको आने वाले बारिश में आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, आपके लिए वो भी लेके आएंगे।
आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बारिश आ जाए। अंकल तुमचं नाव सांगा? राघव रामा वारगडा। हां, तुम्ही कधी बसून या रोडला सायकलिंग करताय? आता कमीत कमी 25-26 वर्ष झाला आले। हो ना? तुम्ही कुठून कुठे जाता? मी गाडी शेडशी पनवेलला जातो। आणि संध्याकाळी परत सायकलवरून घरी जाता? परत सायकलवर जातो। 25-26 वर्षापासून तुम्ही ही सायकलिंग करताय? हां, सायकल पण तीच आहे, फक्त रिंगा बदलवल्या आहे। हे साइड तीच आहे, वडगळ सुद्धा तीच आहे त्याची। बघा ते त्यांच्या सायकलची किती काळजी घेतात। ही फक्त 1300 रुपयाची सायकल घेतलेली आहे मी। खूप छान। मी फार दिवसापासून विचार करत होतो की तुमच्याशी थांबून बोलेल म्हणून, कारण मी नेहमी सायकलिंगला येतोय ना इकडे, तुम्हाला नेहमी बघतो। कित्येक वर्षापासून तुम्ही सायकलिंग करताय आणि हे आमच्यासाठी इन्स्पिरेशन आहे। जे तुम्ही बघताय ते साहेब फार वर्षापासून सायकलिंग करतायत आणि खरंच अप्रिशिएबल आहे। आपण यांच्या सगळ्यासाठीच तर टाळ्या वाजवूया। थँक्यू। अब ध्यान से सुनो, पक्षियों का आवाज आप सुन सकते हो। रोड के एकदम बगल में आप ये देखोगे, ये गाड़ेश्वर नदी है, उसके ऊपर ये छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है जो यहाँ पे पानी रोकता है। और यहाँ के जो खेतबाड़ी है यहाँ के लिए ये यूज़ किया जाता है, पानी फार्मर्स ये यूज़ करते हैं अपने खेती के लिए। पानी मोटर लगा के यहाँ से पानी अपने खेतों में यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत सुंदर सा नज़ारा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अभी एक छोटा ब्रेक लिया है, वाटर ब्रेक। ये है खेती और ये खेती वाला घर जो खेती के बगल में है। ये है गाड़ेश्वर मंदिर, ये ठीक पनवेल से 13 किलोमीटर है। गाड़ेश्वर मंदिर ये शंकर जी का मंदिर है। बहुत सुंदर सा ये मंदिर, शांत जगह पे ये गाड़ेश्वर नदी के बाजू में बसा हुआ है। यहाँ का जो वातावरण है बहुत शांत है। यहाँ पे आके आप शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। देखो बाजू में सब झाड़ी है, बहुत सारे पेड़ है। ये मंदिर का जय शिव शंभो।
आप ये सुंदर जो नज़ारा देख रहे हो ये है देहरंग डैम, और ये देहरंग डैम का बैक वाटर है। इसके पीछे जो माउंटेंस देख रहे हो वो बहुत कितना सुंदर दिख रहे हैं। कैमरा में आप देखोगे कि वन फिशरमैन इज डूइंग सम फिशिंग ओवर देयर। यहाँ पे कुछ लोकल्स फिशर्स फिशिंग करते हैं। यहाँ पे रोड पे आप देखोगे बहुत सारा मराठी में उसको पड़स बोलते हैं, पड़साला पाने तीन। ये जो वनस्पति है इसके पेड़ बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे आपको, मैं दिखा रहा हूँ उसके, उसको तीन पत्ता होता है, इसके लिए मराठी में बोलते हैं पड़साला पाने तीन। ये बहुत सारे पेड़ यहाँ पे ये रोड पे दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर सा नज़ारा जहाँ पे शांति ही शांति है। अब ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पक्षियों के आवाज़ सुने देंगे। आप ये सुंदर जो नज़ारा देख रहे हो ये है देहरंग डैम का बैक वाटर। दूसरा एंगल ये, दूसरे स्पॉट से लिया हुआ छायाचित्रण है। पक्षियों का आवाज भी आपको सुनाई देंगे। ठीक उसके सामने एक सुंदर सा रिसॉर्ट है, यहाँ पे लश ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर सा नज़ारा।
चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना। मेरे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।